हाय एवरीवन गुड इवनिंग एंड वेलकम टू लिटरेचर लवर्स विदे केस राजवीर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एंड आई होप शो आप सभी लोग बढ़िया होंगे तो चलिए वन बाय वन धीरे धीरे आप सभी लोग आ जाइए सो देखिए आज की क्लास में हमारा जो बेसिकली पार्ट है जिसे हम स्ट बातचीत करने वाले हैं जिस पर वो है के को लेकर के गाइड जो अभी आपकी के की रिसेंट वैकेंसी आई है इसी वैकेंसी को लेकर के मैं आप सभी से बातचीत करने वाला हूं गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम गुड इवनिंग गुड इवनिंग सो केवीएस की वैकेंसी आपकी आ ही चुकी है वो सब लोग आप जानते हैं बेहतर तरीके से और वैकेंसी के लिए कल से फॉर्म आपके शुरू हो रहे हैं यानी कि कल से फिफ्थ ऑफ दिसंबर से आप फॉर्म को अप्लाई करना शुरू कर देंगे कल से है ना ठीक है वैसे आई होप सो कि अगर आपने आ, मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया होगा नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग है ना यस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग की कब से जो है बेसिकली आपका फॉर्म शुरू होने वाला है और क्या क्या मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि पीजीटी और टीजीटी के लिए जो भी आपकी वैकेंसीज हैं तो पीजीटी और टीजीटी के लिए 50 परसेंट आपको डिग्री चाहिए होगी जैसे यूजी और पीजी डिग्री जो भी है बी आपको चाहिए है ना बिल्कुल और बाकी अगर जैसे और भी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं कहूंगा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिटेल इंफॉर्मेशन आपको सरकारी रिजल्ट पर भी मिल जाएगी सरकारी रिजल्ट पर आपके लिए है ना हाँ डेफिनेटली सरकारी रिजल्ट पर आपके लिए पूरी जानकारी अवेलेबल है स्टेप वाइज स्टेप क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए ये पीडीएफ है आप इस पीडीएफ को रेफर कर सकते हैं जिसमें आपका सिलेबस भी दिया हुआ है गाइस है ना ठीक है पूरा का पूरा आपका सिलेबस दिया हुआ है और पूरा ये जो सिलेबस है इस सिलेबस के बारे में भी बातचीत करेंगे और जैसा आपको पता होगा कि जनरल पेपर आपका केवीएस में होता है तो उसी तरह सेम पैटर्न पर आपको जनरल पेपर भी मिलने वाला है ठीक है वैसे ही गाइज आपका सेम पैटर्न पर आपको जनरल पेपर मिलने वाला है आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप आए हैं तो थोड़ी देर वीडियो को देखिएगा तो वीडियो से आपको जानकारी मिल जाएगी रिगार्डिंग पैटर्न को लेकर के ठीक है यस yes. अब हम लोग बातचीत करते हैं इसको लेकर के डिटेल में बातचीत करते हैं कि क्या आपके लिए चाहिए क्या नहीं चाहिए क्या पैटर्न है बेसिकली है ना देखिए जैसे आप एन के वी के लिए आप बिल्कुल अप्लाई तो करने वाले ही हैं और वैकेंसी जो है वैकेंसीज वैकेंसीज नंबर ऑफ काफी अच्छी हैं आपके लिए है ना क्योंकि आपको 401 तो टीजीटी मिल जाती है यानी कि काफी बड़ा नंबर है आपके लिए और साथ में आपको 158 आपके लिए पीजीटी वैकेंसीज मिल जाती है है ना तो पीजीटी और टीजीटी दोनों वैकेंसीज काफी है कुल मिलाकर के अगर कहें तो अप्रोक्सीमेटली आपकी अप्रोक्सीमेटली क्या 559 वैकेंसीज आपकी बनती हैं सही है ना 559 वैकेंसीज आपके लिए बन रही हैं और एक अच्छा चांस होगा गाइज है ना yes. so ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि देखिए सब लोग आप दौड़ने लगोगे सर बता दीजिए मैं आपको ये नोटिफिकेशन लिटरेचर लवर्स टेलीग्राम जो हमारा हैंडल है वहां पर मैंने ऑलरेडी भेजा भी था एक बार और भी भेज दूंगा मैं आप इससे देख सकते हैं नहीं तो सरकारी रिजल्ट डायरेक्टली आप गूगल पर टाइप कीजिएगा आपको मिल जाएगा गैज है ना यस yes. अब आते हैं हम लोग मेन बात पर ठीक है देखिए जो भी बातें हैं मेन बात जो मुझे करनी है वो ये करनी है कि आप प्रिपरेशन कैसे करोगे और क्या क्या चीजें आपको देख लेनी चाहिए देखिए जो बेसिकली आपका सिलेबस है सबसे पहले मैं टीजीटी वालों की बातचीत कर लेता हूं ठीक है बाकी लास्ट में बातचीत करेंगे जो भी हमारी और आपकी बातचीत होगी देखिए जो आपका सिलेबस है टीजीटी का तो टीजीटी वाले अगर आप सिलेबस को थोड़ा देखें तो कुछ ये सिलेबस है आपका टीजीटी वाला है ना यस yes. पूरा सिलेबस तो बहुत डिफाइंड है वेल well डिफाइंड है और साथ में यहां पर साफ साफ कहा भी गया है कि आपको सिक्स टू टेन सिक्स टू टेन यानी कि सिक्स सेवन एट नाइन्थ और टेंथ यानी कि पूरे के पूरे इन क्लासेस को आपको देखने की जरूरत है सिक्स टू टेन यानी कि पूरा इनके सिलेबस को आपको पढ़ना जरूरी है ये कहां से मिल जाएगा आपको वो भी मैं बता दूंगा आपको फ्री ऑफ आप कॉस्ट आप ये सारे डाउनलोड कर पाएंगे पूरे के पूरे वो भी मैं आपको बता दूंगा देखिए जो सिलेबस है वेल डिफाइंड सिलेबस है आपके सेकेंड वन पेपर की मैं बात कर रहा हूं जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर है ठीक है जो सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर है उसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे तो देखिए ये एनसीईआरटी है जो सीबीएसई का जो सिलेबस है उसमें जो जो टेक्स्ट बुक प्रेस्क्राइब्ड है सिक्स टू टेन आपको पढ़ना है ये टॉपिक है आपके लिए कहां से टॉपिक है वो सारे टॉपिक लिखे हुए हैं देखिए सप्लीमेंट्री रीडर से हैं ये है ना और ये जैसे देखिए हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क ये राइटर्स गाइड्स प्रेस्क्राइब है आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में तो वहां से आपको देखना है ठीक है तो ये जो आपका सिलेबस है किस तरह से आपको कवरअप करना है और कहां पर इसका कंटेंट मिल जाएगा वो भी मैं आपको बता दूं ये पूरा जो सिलेबस है ये टीजीटी वाला है मैं अभी आपको दिखा रहा हूं ये टीजीटी का पूरा जो सिलेबस है ये आपको पूरा सिलेबस मिल जाता है एनसीईआरटी की बुक्स में तो कैसे डाउनलोड करेंगे आप तो आपको डायरेक्टली डाउनलोड करने के लिए आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन है कि आप एनसीईआरटी की वेबसाइट को विजिट करें और विजिट करने के बाद वहां से आप पूरा का पूरा सिलेबस डाउनलोड कर ले ठीक है यानी विजिट करके वहां से आप पूरा का पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है यस अब ये जो पूरा का पूरा सिलेबस का मतलब मेरा मैंने जो कहा ना तो ये सिलेबस मतलब एक एक टॉपिक आपको मिल जाएंगे जैसे अ लेटर टू गॉड है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये जो गाइस वर्क है इन वर्क को पूरे के पूरे आपको ये वर्क डिटेल में मिल जाएंगे चाहे वो आपका टीजी टी हो चाहे पीजी हो बस वहां पर करना क्या होता है मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे डाउनलोड करना है तो फ्री ऑफ आप कॉस्ट आपका पूरा का पूरा एन की जो बुक्स हैं, वो आपके लिए डाउनलोड हो जाएंगी और डाउनलोड करके आप आराम से वहां से पढ़ सकते हो ग्रेट मतलब ये भी आपको इधर उधर भागने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और जो लोग खरीदना चाहें तो आप मार्केट से डायरेक्टली वो एनसीआरटी की बुक खरीद सकते हैं उनमें डिटेल भी दिया हुआ है लेकिन अब बात आती है कि क्या वो डिटेल आपके लिए इनफ होगा है ना क्योंकि देखिए वो जो डिटेल दिया हुआ है तो डिटेल दिया हुआ है किसके अकॉर्डिंग गिवन डिटेल जो है वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग हो लेकिन यहां पर एक बात और हमें समझ लेनी जरूरी है देखिए यहां पर क्या है क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं तो आपसे साफ एक बात कही गई है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी और सीबीएसई सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक क्लासेस फ्रॉम सिक्स टू टू टेन हाउ एवर द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लीकेशन ऑफ सेप्ट एट द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन लेकिन आपकी जो अंडरस्टैंडिंग वो लेवल ऑफ ग्रेजुएशन की मतलब इस लेवल की होना चाहिए भी कहीं आपको ज्यादा समझने की जरूरत पड़ेगी क्यों पड़ेगी उससे भी ज्यादा समझने की जरूरत बिकॉज गाइज वो स्टूडेंट्स का लेवल है और ये एक टीचर का लेवल है यह बात आप पहले क्लियर कट डिफरेंस समझ लीजिए ठीक है ना हाँ बहुत ही क्लियर कट डिफरेंस आप समझ लीजिए बहुत क्लियर कट अब रही बात की मतलब किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए क्या क्या पढ़ना चाहिए तो देखिए ये तो तो आपको सिलेबस आपका पूरा कंटेंट तो मिल जाएगा एनसीईआरटी की वेबसाइट से पूरा कंटेंट मिल जाएगा एक एक बुक डाउनलोड हो जाती है मैंने डाउनलोड किया है और इवन मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर भी कर दूंगा तो आप लोग अगर चाहें तो टेलीग्राम से ले लीजिएगा मैं पूरी को पूरे को कंबाइंड कर दूंगा कंबाइंड करने के बाद आपको शेयर कर दूंगा आप आराम से वहां से ले पाओगे कि ये पूरा का पूरा सिलेबस है ठीक है लेकिन फिर भी उसकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या क्या चीजें समझनी होती जैसे कोई पोयम है तो पोयम के क्या डिवाइसेस है? है ना जैसे रिदमिक पैटर्न मीटर राइम रिदम ये वाला क्या पैटर्न है फिगर ऑफ स्पीच क्या है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए साथ में किस फॉर्म में लिखी गई है मान लीजिए कि एक कोई सोनेट आप पढ़ रहे हो या एक कोई पोयम पढ़ रहे हो वो बैलेड है लिरिक है तो उस तरह की क्वालिटीज भी आपको पढ़नी होगी साथ में जैसे मान लीजिए कि कोई राइटर है एक्स वाई जेड कोई भी राइटर है मान लीजिए कि वो नेल्सन मंडेला है तो नेल्सन मंडेला के बारे में आपको जानना थोड़ा सा जानना जरूरी है अब इतना जानना जरूरी नहीं कहूंगा कि मतलब आप बिल्कुल बहुत डेफ्त में चले जाइए कि तीन चार दिन आप बायोग्राफी पढ़ें लेकिन लेकिन एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन कि फिर ये कहां से हैं कहां से इनकी बिलोंगिंग है कहां से थे ये कौन सा वर्क लिखा क्या अदर वर्क इनके फेमस रहे सो so जस्ट आपको वहां से गो थ्रू करने की जरूरत पड़ जानी है ठीक है तो ये आपको करना होगा अबाउट द राइटर अबाउट द वर्क एंड डिवाइसेज दैट हैज बीन यूज्ड जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई एक नॉवल प्रिस्क्राइब कर दी गई है अब जैसे वो नॉवल है तो वो नॉवल किस टाइप का है उसकी भी जानकारी आपको होना चाहिए जो टेक्स्ट आप डाउनलोड करेंगे एनसीईआरटी के साइट से तो उस टेक्स्ट में ये वाली जानकारी मे बी ना इंक्लूडेड मैंने वैसे चेक किया है तो उनमें जैसे कि मान लीजिए मैंने जो चेक किया है वो मैं आपको बता दूं एक पोयम है जॉन कीड्स की अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर है ना वो जो जॉन कीड्स की लाइन है सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी अब जैसे मान लीजिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी ये वाली पोएम आपके लिए प्रेस्क्राइब है ये एग्जाम्पल है सभी के लिए चाहे टीजीटी वाले मान लीजिए चाहे पीजीटी तो अब जैसे ये पोयम है तो ये कहां से है ये इंडीमियन से जॉन कीट्स के है ना इंडीमियन और वहां पर जो जानकारी जैसे दी गई है तो छोटा सा एक पैसेज है उसी पैसेज में छोटी सी जानकारी दी गई है लिटिल बिट की हाँ जॉन कीट्स एक पोएट थे उन्होंने अपैथिक्री की प्रैक्टिस की थी है ना बिल्कुल शॉर्ट इंफॉर्मेशन छोटी सी जानकारी दी हुई है लेकिन उस छोटी सी जानकारी को आपको क्या समझना होगा कीट्स के बारे में आपको कुछ पढ़ना ही होगा है ना जैसे कीट्स के मेन पॉइंट है कीट्स ने क्या टर्म दिए टर्मिनोलॉजीज आप जरूर पढ़ लीजिए ये इंडीमियन कैसा वर्क है कब आया था इसकी क्या हिस्ट्री है है ना जैसे मान लीजिए अब इंडीमियन को क्रिटिसाइज भी किया गया था इवन तो इंडीमियन के क्रिटिसाइज होने के बारे में भी आपको जानना जरूरी है मींस जो वर्क जिस परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो चीज आपको समझना जरूरी होगा तभी आपकी परफेक्ट प्रिपरेशन मैं कंसिडर कर पाऊंगा आप खुद कंसिडर कर पाओगे तो ये तो लिटरेचर वाला पार्ट है जो आप देख पा रहे हो ये पूरा का पूरा लिटरेचर वाला पार्ट है इसके बाद देखिए लिटरेचर के बाद इसमें जो गैज आपका पार्ट है वो ग्रामर का भी पार्ट आता है और सबसे अच्छी बात यह होती है देखिए कि ग्रामर वाले कैंडिडेट्स को डबल फायदा मिला करता है मतलब इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को आपको डबल फायदा मिलता है अच्छा डबल फायदा क्यों मिलता है तो उसके पीछे एक रीजन है अप्लाई जरूर कीजिएगा सभी टीजीटी कैंडिडेट जरूर अप्लाई कीजिए इसलिए कि वैकेंसी काफी ज्यादा है अच्छे चांसेस है ना बहुत बढ़िया चांसेस बेस्ट चांसेस आपको मिलेंगे तो ग्रामर वालों को ये फायदा हो जाता है कि एटलीस्ट उन्हें जो जनरल पेपर होता है तो जनरल पेपर में भी ग्रामर मिल जाती है और पेपर उनका जो सेकेंड वाला होता है तो उसमें भी उनको ग्रामर मिल जाती है सो मींस डबल बेनिफिट आपको मिल जाता है ठीक है ग्रामर वालों को डबल बेनिफिट ऑलवेज मिला है और आगे भी मिलता रहेगा ठीक सो ऑन द सेम वे आपको ये ये जो है बेनिफिट मिलने वाला है अब देखिए खुद यहां पर क्या है ग्रामर का लगभग पार्ट है डिटरमाइनर्स हैं लिंकिंग वर्ड एडवर्ब एडवर्व टें फॉर्म क्लाजेस है एडजेक्टिव है मॉडल हैं है, है. तो ये गई जो आप एनसीआर की बुक्स हैं उसका ग्रामर आप डाउनलोड कर ले एनसीआर की ग्रामर बुक्स डाउनलोड कर लीजिए उसमें आपको ये पूरा पार्ट मिल जाएगा ठीक है बिल्कुल मतलब आपकी तैयारी के लिए कंटेंट के लिए बहुत परेशान नहीं होना कि नहीं दौड़ लगा दिया कंटेंट के लिए आपको टॉपिक पता चल गया कंटेंट पता चल गया और बहुत कंटेंट अवेलेबल है इसके लिए है ना क्यों क्योंकि ये सिलेबस ऑलरेडी इन क्लासेस में प्रेस्क्राइब्ड है सो अगर ये सिलेबस ऑलरेडी प्रेस्क्राइब्ड है तो बस अब आप समझ सकते हैं कि उसका आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलने वाला है बस एक बात जरूर याद रखिएगा लेवल आपको बढ़ा करके पढ़ना है है ना अब अच्छा आ, ऐसा नहीं कि एक बच्चा वाले लेवल से आप पढ़ लेंगे तो अगर एक बच्चा वाले लेवल से पढ़ेंगे सो so स्टूडेंट्स को तो आंसर करने होते हैं लाइक लॉन्ग आंसर दे हैव हैव बट वी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप टाइप ऑफ ऑफ पैटर्न पैटर्न एंड को हमें समझने के लिए जो मेन पार्ट है जो जरूरी पार्ट है वो आप समझ लीजिए है ना यस yes. तो इतनी बात आप जरूर याद रखिए ये जितना भी पार्ट है जैसे जो लोग टीजीटी की प्रिपरेशन करते आ रहे हैं यूपी टी टीजीटी पीजीटी टी और एनी अदर स्टेट टी जी टी पी जी टी इफ यू आर प्रिपेयरिंग सो आपको ग्रामर में ये काफी सारी चीजें पता होंगी अन थोड़ा बहुत पार्ट हो सकता है जो आपको ग्रामर में पता ना हो ठीक है थोड़ा बहुत पार्ट आपके लिए हो सकता है तो वो आपको जो ग्रामर में ना पता हो तो ये देखिए आपका इंग्लिश वाला पर्टिकुलरली आपका सिलेबस है और ये सारा सिलेबस आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पर मिल जाएगा इवन मैं फिर से बता दूं कि एट द रेट मेरा टेलीग्राम जो हैंडल है एट दी रेट लिटरेचर लवर्स टेलीग्राम नोट कर लीजिएगा या तो ज्वाइन कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ा है लिटरेचर लवर्स टेलीग्राम बिना किसी स्पेस के लिखिएगा और गूगल वहां पर सर्च कर लीजिएगा चाहे गूगल पर या फिर टेलीग्राम पर जाकर यहां पर मैं आपको भेज भी दूंगा सो so दैट आप डाउनलोड करके पढ़ पाओ ठीक है इसके लिए कोई चार्ज नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा क्योंकि भैया हमारा तो है नहीं वो एनसीईआरटी का है हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है ठीक है अब आती है बात पीजीटी वाले सिलेबस की फिर पीजीटी के बाद और भी हम कुछ लोग चर्चा करेंगे अगर आप ट्यून रहेंगे तब देखिए पीजीटी वाला जो सिलेबस है दोज कैंडिडेट प्रिपेयरिंग फॉर पीजीटी उनके लिए क्या है उनके लिए देखिए कुछ पैटर्न डिफरेंट है डिफरेंट क्या पैटर्न है देखिए पीजीटी वालों के लिए तो एक अनसीन पैसेज मिलेगा है ना पैसेज के साथ साथ और भी कई सारी चीजें मिलेंगी देखिए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन और लिटरेरी टू एक्सेस कई सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी है ना या क्रिएटिव राइटिंग स्किल जैसे क्रिएटिव राइटिंग स्किल में नोटिस लेटर्स इनविटेशन पेपर्स है ना आर्टिकल लिखना इस टाइप की चीजें गाइड्स आपको मिलने वाली हैं और ये देखिए जैसे राइटिंग ए स्पीच 120 टू 150 वर्ड्स में तो ये कई सारा आपके लिए पैटर्न दिया गया है जैसे आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल इन नेचर बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट कैसे आप लिखेंगे है ना पोस्टर राइटिंग ए स्पीच इन 122, 150 वर्ड्स ये आपको देखना होगा है ना कि कैसे लिखना है देखिए इसकी ये जो पार्ट है ना ये बात याद रखिएगा ये प्रैक्टिस का पार्ट है इसे अपनी प्रैक्टिस में आपको डालना होगा अगर आप अपनी प्रैक्टिस में नहीं डालोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा अनसीन पैसेज पढ़ने की हैबिट डालनी होगी सो दैट एनालिटिकल डेटा को एनालिटिकल चीजों को समझ पाए इस वाले पार्ट को ठीक है यस yes. देखिए लिखा ना फैक्चुअल डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी किस टाइप का हो सकता है आपका पैसेज ये देखिए बहुत अच्छे से यहां पर बताया गया है कि या तो ये फैक्ट बेस्ड हो सकता है या फिर ये डिस्क्रिप्टिव हो सकता है या लिटरेरी हो सकता है लिटरेरी मतलब जैसे पोयम वाला लिटरेरी पार्ट आ जाता है ना यस yes. लिटरेरी पार्ट आ जाता है तो इस तरह का होगा गाइस ठीक है यस yes. और ये जो देखिए जो टॉपिक है टॉपिक बहुत अप्रोप्रिएटली आपको क्रिएटिव राइटिंग स्किल आपकी डेवलप होनी चाहिए साथ में अनसीन पैसेज रीडिंग तो पैसेज रीडिंग की थोड़ी हैबिट चाहिए होगी ठीक है ग्रेट अब इसके बाद देखिए इधर आता है ग्रामर वाला पार्ट ग्रामर में यहां पर जो पीजीटी के लिए दिया हुआ है वो यही दिया है क्वेश्चन ऑन गैप फिलिंग गैप की फिलिंग पर क्वेश्चन जैसे टेंसेस बेस्ड या क्लॉजेस बेस्ड क्वेश्चन ऑन रीऑर्डरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस ग्रामर के पार्ट में इतना लिखा है तो क्या ग्रामर आपको फुली नहीं पढ़ना पड़ेगा देखिए एक बात मैं आपको बता दूं है ना यस एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन ऑन गैप फिलिंग अब जब आपको गैप फिलिंग पर क्वेश्चन मिलेंगे तो अब आप समझ सकते हो कि उसमें तो पूरी ग्रामर ही टेस्ट हो जाती है गलत तो नहीं कह रहा जब गैप फिल करना है टेंसेज तो टेंस पूरा का पूरा हो गया क्लासेस आपके लिए दे दी जाएंगे सो so, क्लासेस के आगे भी तो और भी सारी चीजें होंगी ना इट भाई बहुत सारी चीजें होंगी जो गैप में फिलिंग के लिए क्वेश्चन or अब रीऑर्डरिंग का कोई दे देगा सेंटेंस या ट्रांसफॉर्मेशन का दे देगा तो वहां पर भी कई सारे रूल हो जाएंगे आपके लिए नहीं होंगे डिफरेंट डिफरेंट तो इस चीज को समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी पार्ट मतलब ये समझिए कि वैसे इसने कहा कि हम और टेंस पूछेंगे यहां पर कहा ट्रांसफॉर्मेशन या फिर रीऑर्डरिंग रहेगा रीऑर्डरिंग लाइक है ना वन टू थ्री फोर पी, वाई, क्यू, पी, वाई, क्यू, जो होता है ना वो एक पैटर्न होता है तो उस पैटर्न में लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आपको ग्रामर लगभग फुली ही पढ़ना है फुली ही पढ़ना है मतलब ऐसा नहीं कि नहीं ग्रामर का पार्ट हम छोड़ दें तो हमारा काम चलेगा तो ग्रामर आपको पढ़ना है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ये जैसे अब ये वर्क आपके लिए दिए गए ये सारे वर्क मैं आपको फिर से बता दूं कि ये सारे वर्क आपको वही एनसीआरटी की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में पूर्णतः आपको मिल जाएगा एक एक टॉपिक मिल जाएगा टेलीग्राम पर मैं शेयर भी कर दूंगा अब रही बात जैसे जो पी का जो सिलेबस है थोड़ा छोटा लग रहा है है ना हल्का फुल्का छोटा लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कि ये छोटा है इसमें जो जो चीजें दी हुई हैं जो जो टॉपिक दिए हुए हैं वो टॉपिक लेंदी है आपके लिए अब मेन बात आती है क्योंकि कई सारे बच्चे अभी तक प्रश्न पूछ चुके हैं कि राइटर की बायोग्राफी कवरअप करना है कि नहीं तो भाई जान लीजिए कि कवरअप करना ही होगा चाहे थोड़ी सी पढ़े लेकिन मैं थोड़ी सी नहीं कहूंगा मैं ये कहूंगा कि मेन पॉइंट के साथ मीडियम क्वालिटी पढ़ना है जैसे डेट ऑफ बर्थ डेथ मेन वर्क कलेक्शन कोई प्राइज मिला है है ना जैसे मान लीजिए मेन में क्या होता है किसी की लाइफ उसकी लाइफ का कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट चाहे वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो याद रखिएगा है ना लाइफ हो गया उनका उनके वर्क्स जैसे कौन कौन से मेन वर्क्स में, में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है या फिर इन्फ्लुएंस जैसे होता क्या ना कि वो राइटर उससे इन्फ्लुएंस था उसको कौन सा प्राइज मिला प्राइज का भी आपको ध्यान रखना होता है कि कौन सा प्राइज मिला था उसको है ना अब जैसे मान लीजिए यहां पर है ये पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी अब ये पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी कौन सा वाला है तीन पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है तीन पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है ना लेकिन यहां पर ये पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी वो वाला है जो एनसीईआरटी में प्रेस्क्राइब है इलेवेंथ क्लासेस में पीजीटी को पढ़ना है इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ और टीजीटी को पढ़ना है सिक्स टू क्या सिक्स टू टेंथ का सिलेबस पढ़ना है टीजीटी वालों के लिए थोड़ा बड़ा है ये मानिए पीजीटी वालों के लिए ये वाला सेक्शन थोड़ा छोटा समझिए लेकिन इधर वाला जो पार्ट है वो कमजोर पार्ट नहीं है उसे कमजोर पार्ट बिल्कुल मत कंसीडर कीजिए ठीक है लाइफ वर्क प्राइज और कोई कनेक्शन है कोई कमेंट है जैसे कई बार होता ना कि शैली के लिए ये कहा इसने तो मान लीजिए कि खुशवंत सिंह के लिए क्या कहा किसी ने खुशवंत सिंह पर किसी ने कोई राइटिंग कर दी है तो वो भी गाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट पड़ जाएगा है ना बिल्कुल तो ये वर्क आपको पढ़ने हैं और देखिए वन बाई वन वर्क को अगर आप देखेंगे बहुत आसानी से आपका सिलेबस पूरा हो जाता है ठीक है ग्रेट अब इसके बाद ये पूरा का पूरा तो आपका सिलेबस हो गया पीजीटी वाला गया देखिए जैसे आपकी पोयम है माई मदर एट सिक्सटी सिक्स मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको आप और हम सभी लोग जानते हैं जैसे ये माई मदर एट सिक्सटी सिक्स तो ये पोयम कमला दास है ना तो किस तरह से पढ़ेंगे तो अब आप समझ लीजिए कि कमला दास और लेडी बहुत फेमस रही हैं अब उनके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना पड़ेगा कमला दास प्लस इस वर्क के बारे में देखिए ये हो गया आपका सिलेबस थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि आप किस तरह से मैं एक बुक्स को के लिए वीडियो बना दूंगा छोटा सा वीडियो बनाऊंगा मैं सोच रहा हूं है ना यस गॉट इट मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जिसमें आपको बुक्स किस तरह से डाउनलोड करनी है क्योंकि यहां पर मैं भी हो सकता है ना दिखा पाऊं मैंने एक बार ओपन तो किया था लेकिन अब ओपन करने के लिए लिंक भी देखना पड़ेगा है ना तो इसीलिए मैं क्या करूंगा एक बुक्स के लिए छोटा सा वीडियो आएगा दो तीन मिनट का कि कैसे फ्री में डाउनलोड कर लीजिए बुक्स तो बुक्स को आपको उसमें तीन सेक्शन दिए हुए हैं एनसीईआरटी की वेबसाइट पर एनसीईआरटी की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो उसमें तीन सेक्शन दिए हैं एक में आपको सिलेक्ट करना है क्लास एक में आपको सिलेक्ट कर लेना है क्लास के बाद सब्जेक्ट ठीक है सब्जेक्ट जब सिलेक्ट कर लोगे तो अब कौन सी बुक बुक कौन सी सिलेक्ट करना है इसमें कई सारे ऑप्शन जब आप इतना सिलेक्ट करोगे यहां पर एंटर का ऑप्शन आएगा कि यहां पर एंटर कीजिए ठीक है और जब एंटर करने की बात आती है तो एंटर करने के बाद अब आपको आगे क्या करना है कि वो फिर चैप्टर वाइज खुल जाएगा तमाम सारे चैप्टर तमाम सारे चैप्टर तो चैप्टर ना डाउनलोड कीजिएगा चैप्टर मत डाउनलोड कीजिएगा आपको लास्ट में देखना है यहां पर लिखा होगा डाउनलोड फुल बुक तो चैप्टर डाउनलोड करने से अच्छा होगा डाउनलोड फुल बुक पूरी की पूरी बुक डाउनलोड कर लीजिएगा तो ये जो पूरे टॉपिक हैं आपके टीजीटी वाले सिक्स टू टेन डाउनलोड कर लीजिएगा और पीजीटी वाले इलेवन ट्वेल्व डाउनलोड कर लीजिएगा तो ये दोनों आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मतलब यहां से आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा और हां जैसे मान लीजिए अगर आप चाहें तो ये मार्केट से भी परचेज कर सकते हो ठीक है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है आपके लिए मार्केट में अवेलेबल है बहुत मिनिमम प्राइस पर आप जाइए वहां पर बता दीजिए कि मुझे क्लास सिक्स टू टेन इंग्लिश एनसीईआरटी चाहिए ठीक है क्लास सिक्स टू टेन इंग्लिश एनसीईआरटी चाहिए बुक शॉप पर जाइए डायरेक्टली बोलिए सिक्स टू टेन इंग्लिश चाहिए या फिर इलेवन मुझे इंग्लिश पूरा का पूरा चाहिए ठीक है इं, इंग्लिश की जो जो बुक्स हैं तो आपको बुक्स दे देंगे वैसे बुक्स जब आप लेंगे तो काफी सारी बुक्स आएंगी ठीक है ग्रेट तो अब तो ये हो गया आपके लिए मेरा सजेशन अब रही बात क्योंकि देखिए आपके लिए कई सारे जैसे देखिए मैं अपनी बात करूं अगर मेरी कोई बातचीत करे तो मैं तो ये कहूंगा कि ये जो केवीएस का सिलेबस है तो अब जैसे मैं इस तरह के राइटर्स बहुत कम आप लोगों ने देखे होंगे क्योंकि आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है टर्म्स पढ़े हैं फॉर्म्स पढ़ा है है ना आपने कीट सु बायरन शदे ऐसे राइटर्स को पढ़ा है है ना आप में से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन लोग जो लोग पढ़ाते होंगे ऑलरेडी ऐसे स्कूल्स में बहुत सारे लोग पढ़ाते होंगे जहां पर ये बुक्स प्रेस्क्राइब्ड हैं उनके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मतलब उनको बहुत अच्छा चांस बन जाता है बट दोज कैंडिडेट जो लोग जिन लोगों ने इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ा सा क्या होगा थोड़ी मेहनत थोड़ी अच्छी वाली कोशिश और अगर आप थोड़ी अच्छी वाली कोशिश कर लेंगे सो डेफिनेटली बिलीव मी कि आपका काम हो जाएगा है ना बट ये मान के चलिएगा कि आपको जो मेहनत करनी है वो अगले से ज्यादा करने की जरूरत अगले से ज्यादा अगर आप मेहनत कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है और अगर आप अगले से कम मेहनत कर पाए तो मामला गड़बड़ है देखिए यहां पर आप यह समझिए कि आपकी पहचान के राइटर कम मिलेंगे बहुत कम आपकी पहचान के राइटर मिलेंगे है ना बिल्कुल हाँ एनसीआरटी एप्स भी होता है एनसीआरटी की बुक्स आपको सब जगह अवेलेबल मिल जाती है कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो मार्केट जाइए सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो घर बैठे इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए मैं टेलीग्राम पर भी भेज दूंगा ताकि आप लोग पढ़ पाओ है ना हाँ एक साथ करके थोड़ी सी कोशिश मैं कर दूंगा अब जैसे देखिए यहां पर देखिए ये वाला आपको फैमिलियर मिल जाएगा अ थिंग ऑफ ब्यूटी आपको फैमिलियर मिल जाएगा ठीक है इसके बाद जर्नी टू द इन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड कटिंग माई लॉन्ग हेयर एंड ऑन द फेस इट एनमी The we are human beings. So guys यहाँ पर आपको बहुत limit की आपको पहचान की मिलेगी बस ये है कि जिन लोगों ने पढ़ाया है उनके लिए beneficial होगा Sir हम सब जरूरतमंद students को आपकी free of cost classes की जरूरत है Please sir. देखिए थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके बीच बीच में अपने topic और guidance आपके लिए देता रहूंगा Definitely दूंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं नहीं दूंगा है ना यूपी पीजीटी का एग्जाम बेटा पता होता मुझको तो समझ लीजिए मैं आयोग होता यूपी पीजीटी के मामले में मैं बिल्कुल ब्लैंक हूं टोटली ब्लैंक हूं अभी कोई जानकारी नहीं एलटी की भी आपकी कोई जानकारी नहीं है है ना यस yes. सर हम सब चैनल पर करके थक गए हैं आपसे होप है सब बस बता दोगे सर मेरा सीटेट मैथ्स एंड साइंस में क्लियर है मैंने बी एडिशनल से तीनों साल के इंग्लिश सब्जेक्ट से किया है ग्रेट ठीक तो है क्या दिक्कत है कीजिए ठीक है तो ये देखिए मैंने आपको सर सिर्फ एनसीआर करना है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड ऑल वाला पार्ट नहीं आएगा देखिए वैसे जहां तक बात आती है ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका सीतल सीतल सो so, बिल्कुल रियली वंडरफुल क्वेश्चन है और आप सभी को धैर्य से सुनना चाहिए देखिए क्योंकि आप यहां तक पूरा सिलेबस इसका देख लीजिए ये पीजीटी है ना ये पीजीटी सिलेबस है और टीजीटी सिलेबस है ना टी और पीजी दोनों सिलेबस है और यहां पर पीजीटी वाला था 91, 92 के पेज में यहां पर है ये है ये है आपका पीजीटी वाला टीजीटी वाला सिलेबस ठीक है अब देखिए अगर सिलेबस को की माने अगर पूरा का पूरा हम इसी सिलेबस की माने तो यहां पर देखिए ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि आपको पढ़ने की जरूरत है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फॉर्म्स टर्म्स क्योंकि देखिए वो तो बड़ा नेसेसरी सा पार्ट होता है क्योंकि देखिए यहां पर जो टॉपिक दिए हुए हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज क्या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना जरूरी है ये बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा प्लीज ठीक है हाँ देखिए बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए कि क्या NVS PGT, KVS, TGT सॉरी के टीजीटी और पीजीटी एनवीएस मैंने बोल दिया माफ कीजिएगा वन मिनट के लिए प्लीज मैं जल्दी में बोल गया हाँ, मैं बातचीत कर रहा था कि क्या आपको केवीएस TGT और PGT के लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फॉर्म्स टर्म्स या ऐसा कुछ पढ़ने की जरूरत है तो देखिए मेरा एक बहुत सिंपल सा आंसर आता है आप सभी के लिए कि यहां पर जो भी राइटर आप देख रहे हैं हम देख रहे हैं सभी बच्चे समझदार हैं सब लोग देख रहे हो देखिए इनमें से आपको वो राइटर नहीं मिल रहे हैं जैसे कि मान लीजिए शेक्सपियर हो कीट्स हो शैली हो बायरन हो एलियट हो अर्नोल्ड हो ऐसे टाइप के राइटर्स हो ठीक तो देखिए जब ऐसे टाइप के राइटर नहीं मिल रहे हैं यहां पर तो मेरे हिसाब से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ना जरूरी नहीं है अगर इस सिलेबस की माने तो चाहे वो टीजीटी टी देख लीजिए चाहे पीजीटी देख लीजिए आपको जो भी टॉपिक है वो आपके टॉपिक कैसे हैं न्यू टाइप के टॉपिक है और ये स्टोरीज हैं बेसिकली या फिर ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो आपके उन राइटर्स से हैं जैसे जॉन कीट्स का अ थिंग ऑफ ब्यूटी है ना ऐसे कुछ टॉपिक आपको डेफिनेटली मिलेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि नहीं मिलेंगे तो देखिए जो मेरा गेस्ट कहता है वो ये कहता है कि आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा अब रही टर्म्स एंड फॉर्म्स की बात तो देखिए टर्म्स एंड फॉर्म्स का जहां तक रोल है इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि मे भी क्वेश्चन हो सकते हैं हल्के फुलके क्वेश्चन हो सकते हैं वो तो देखिए केवीएस बनाने वाले जाने क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी कहती है कि इस तरह का अगर पैटर्न है तो हिस्ट्री टर्म्स की कोई जरूरत है नहीं लेकिन मे बी की कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर ड्रॉप करें फिगर ऑफ स्पीच जरूर ड्रॉप कर देंगे फिगर ऑफ स्पीच जरूर ड्रॉप कर देंगे ठीक है फिगर ऑफ स्पीच नेसेसरी हो गया इसके लिए और जहां तक रही कि क्या फॉर्मिक फॉर्म पूछ सकते हैं क्या कि किस मीटर में लिखा है किस पैटर्न में लिखा है जैसे फॉर्म्स राइम्स पूछ सकते हैं है ना लेकिन हिस्ट्री से क्वेश्चन बनने का सवाल कम बनता है टर्म से क्वेश्चंस बनने का डायरेक्टली सवाल कम बनता है हाँ कोई पोयम पर बेस्ड बन सकता है मान लीजिए कोई पोयम प्रेस्क्राइब है जो सोनेट है तो अगर वो सोनेट है तो मे भी ऐसे प्रश्न उठा लिए जाए बैलिड है ओड है ऐसे प्रश्न उठाए जा सकते ठीक है तो ये आपके लिए पार्ट है आपके टीजीटी और पीजीटी केवीएस टीजीटी और पीजीटी का कि किस तरह से आप कर लीजिए काम हो किस तरह से आप अपने सिलेबस को डंडनाडन कर सकते हो किस तरह से आपको बुक्स मिल सकती है वो आपको मैंने लगभग पूरी बता दिया अब आती है बात आगे की कि जो आपका पेपर इधर जो होता है वन वाला जो कॉमन पेपर होता है है ना? कॉमन पेपर जो होता है वो सबके लिए होता है ऐसा ही पेपर वन वाला तो देखिए पेपर वन के लिए जो पैटर्न दिया गया है तो इस पैटर्न को देख लीजिए ये है देखिए टीजीटी वाला पैटर्न क्या है टीजीटी के लिए पेपर वन पैटर्न थोड़ा सा देख लीजिए आइए है ना यस बिल्कुल हाँ, देखिए अब यह समझ लीजिए कि पेपर वन क्या है आपका इधर देखिए देखिए जो पेपर वन है तो यह है आपका पेपर वन द रिटर्न टेस्ट ऑफ इज ऑफ 180 मार्क्स का होगा जो जिसमें 180 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं ठीक है कुल मिलाकर के और मल्टीपल चॉइस सारे क्वेश्चन है एक मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए मिलने वाला है और एक मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है यह साफ साफ इंस्ट्रक्शन आपके लिए दिया हुआ है ठीक है यस अब आती बात यह देख लीजिए कि क्या क्या इसमें डन करोगे आप लोग तो देखिए सबसे ज्यादा इंग्लिश वालों को यह पैटर्न का फायदा मिल जाता है जनरल इंग्लिश पंद्रह नंबर की जनरल हिंदी पंद्रह मार्क्स सो थर्टी मार्क्स आपके यानी थर्टी क्वेश्चन आपके ये हो जाएंगे इसके बाद आता है आपके लिए जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट देखिए जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या पढ़ना है रीजनिंग प्रोफिशियंसी इन कंप्यूटर जो फिफ्टी मार्क्स की होगी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर पढ़ना है जो सब्जेक्ट से एसोसिएटेड होगा साथ में रीजनिंग एबिलिटी कंप्यूटर लिटरेसी है ना तो ये चीजें आपको देखनी है अब रही बात देखिए यहां पर आपको क्या मिलता है ट्वेंटी ट्वेंटी एंड फिफ्टी तो यानी ट्वेंटी ट्वेंटी एंड टेन तो देखिए ये आपका हो गया फिफ्टी और ये हो गया थर्टी यानी एटी एटी का जो है ये वाला पार्ट है है ना यस yes. और जो पार्ट आपका थर्ड होगा बेसिकली पार्ट थर्ड पार्ट वन देखिए प्रोफिशियंसी देख लिया गया इस तरह से डिवाइडेड है कि यानी थर्टी नंबर का ये है आपके लिए पार्ट वन फिर फिफ्टी नंबर का आपके लिए सॉरी पार्ट सेकेंड है आपके लिए फिफ्टी नंबर वाला और फिर थर्ड सेक्शन आता है आपका सब्जेक्ट रिलेटेड ये है देखिए आपका 50 वाला ये पार्ट 50 वाला हो गया और इसके बाद ये इधर का जो पार्ट है लेटर ऑन वाला तो ये है हंड्रेड क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट बेस्ड है ठीक ये आपका सब्जेक्ट बेस्ड है तो 80 क्वेश्चन आपको ये कुल मिलाकर के इधर मिलेंगे आउट ऑफ आपके जो स्पेसिफिक सिलेबस है सब्जेक्ट का उससे आपको 80 मार्क्स और 80 क्वेश्चन कह दीजिए वो आपको मिलने वाले हैं देखिए यहां पर आपको बहुत विशेष ध्यान देना होता है आ, मेरे एक फ्रेंड हैं और अनिल सिंह एक बार मैंने उनका इंटरव्यू भी अपलोड किया था अपने ही यूट्यूब चैनल पर उन्होंने मल्टीपल एग्जाम जो है मल्टीपल एग्जाम क्रैक किए हैं इंग्लिश से बेसिकली के वगैरह एन वगैरह में भी रहे के में तो देखिए उनकी बात ही मैं यहाँ पर कोट कर देता हूँ वो ये कहते हैं हमेशा अपना फाइन एक्सपीरियंस देते हुए वो हमेशा ये कहते हैं कि देखिए ये पार्ट बहुत जरूरी है ये पार्ट जैसे यूजीसी नेट में होता ना पार्ट वन अगर आपका पेपर वन एक स्ट्रॉग है तो आपको अच्छी बढ़त मिल जाती है ना क्योंकि देखिए अपने सब्जेक्ट में हर एक बच्चा करे करे का है ना यस इट हां ये बात बहुत डिफाइंड है ये बात बहुत ही डिफाइंड है वेल डिफाइंड है कि अगर आप इधर स्कोरिंग अच्छी करते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा मतलब इस पार्ट को नेग्लेक्ट बिल्कुल मत कीजिएगा है ना क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच लिया करते हैं ना हमारा तो अपना सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है तो सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है तो इसका मतलब है कि बहुत दिक्कत का है, है ना बिल्कुल तो इसीलिए आप इस विशेष बात का ध्यान रख लीजिए कि पेपर वन मतलब अच्छे से पढ़िएगा देखिए यहां पर तो आपकी जो कमांड है वो हो जाना है क्योंकि देखिए ग्रामर और यूजेस वर्ड पावर और रीडिंग कम्प्रहेंशन ये सब जानते हैं आप लगभग लगभग आप जानते हैं है ना यस आप लगभग लगभग बहुत अच्छे से जानते हैं अब इधर वाला जो पार्ट आता है क्योंकि कई सारे बच्चे थोड़ा कम जानते हैं जैसे कंप्यूटर लिटरेसी ये बहुत इजी सेक्शन होता है टेन क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं रीजनिंग एबिलिटी ये भी देखिए बहुत उस तरह की नहीं आती कि मतलब बहुत स्ट्रेंथ ले बहुत ज्यादा स्ट्रोंग लेवल की आए है ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल की नहीं आती है मतलब बहुत ज्यादा जैसे कहें कि आप डिफिकल्ट लेवल हो उसका नहीं एक लिमिट वाला लेवल होता है इधर जनरल नॉलेज वाला जो ये प, ये पैटर्न है ये थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए दौड़ा देता है क्यों अब जनरल नॉलेज में ये नहीं पता होता कि कि जैसे जनरल नॉलेज में मान लीजिए आपका हिस्ट्री जियोग्राफी वो थोड़ा ब्रॉडर पड़ जाता है लेकिन इधर ये करंट अफेयर पता नहीं करंट का पूछ ले छह महीने का पूछ ले एक साल का पूछ ले वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है गॉट इट

ये क्या है हार्ड डिस्क क्या है तमाम सारे जो जनरल क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं पता कैसे चलेगा आपको कि क्या कर ले हम लोग ठीक क्या कर ले हम लोग व्हाट व्हाट वी कैन डू बेसिकली तो देखिए इसके लिए मेरा एक बहुत अच्छा आंसर है आपके लिए कि आप क्या कर सकते हो ये समझने के लिए ये समझने के लिए आपको बेसिकली प्रीवियस ईयर कुछ पेपर्स का पैटर्न देख लेना चाहिए प्रीवियस ईयर का पैटर्न देख लेना चाहिए ठीक है हाँ, जब प्रीवियस ईयर पैटर्न आप देखोगे तो आपको वहां से गेस लग जाएगा कि कंप्यूटर के कैसे प्रश्न है ना रीजनिंग एबिलिटी के कैसे प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखिए विदाउट प्रीवियस ईयर पेपर आप मिस्टेक कर जाते हो ना फिर वो मामला गड़बड़ हो जाता है आपको यहां से लेवल समझ में आता है कि यहां पर स्कोर करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू व्हाट आई हैव टू डू ठीक है तो सबसे पहले ये जरूर कोशिश अपनी कर लीजिए ये ये जो पार्ट आता है ये वाला जनरल हिंदी वाला देखिए जनरल हिंदी का मतलब है कि पठन कौशल शब्द सामर्थ शब्द सामर्थ्य मतलब वही वर्ड पावर पठन कौश, कौशल रीडिंग कंप्रेहेंशन है ना वर्ड पावर व्याकरण एवं प्रयुक्ति व्याकरण प्रयुक्ति में जैसे कि आपके लिए अलंकार छंद इस तरह की चीजें पूछ लेता है या फिर समास पूछ लेगा ये कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो आपके लिए जरूर पूछे जाते हैं तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट होगा इस सेक्शन के लिए थोड़ा प्रीवियस ईयर पैटर्न देखिए जब प्रीवियस ईयर पैटर्न देखोगे मजा आ जाएगा आपको और फिर आपको पैटर्न पता चल जाएगा इसमें मैक्सिमम स्कोर कीजिए और इसमें भी मैक्सिमम स्कोर कीजिए अपना सिलेक्शन ले लीजिए यही आपके लिए सबसे बड़ा महामंत्र है और हाँ बच्चे बहुत सारे प्रश्न करते हैं अभी जैसे ये है राहुल तो राहुल पूछ रहे हैं कि एग्जाम में क्या सिलेबस से ही आएगा देखिए ऐसा कोई एन आपके लिए के लिखित नहीं दे रहा है कि नहीं मैं इसी से पूछूंगा अब आप ही बताइए कि लिखित में क्या है मुझे बता दो शब्द सामर्थ्य में क्या लिखा हुआ है शब्द सामर्थ मतलब वर्ड पावर क्या लिखा हुआ है वर्ड पावर में है ना समझदारी की बात कीजिए आप ही बताइए वर्ड पावर में क्या लिखा हुआ है कुछ लिखा है वर्ड पावर में कुछ नहीं अरे वर्ड पावर तो समंदर है भाई उसमें तो बहुत सारी कुछ चीजें होती हैं क्या आप पढ़ोगे इधर देखिए ग्रामर एंड यूसेस क्या आएगा बताइए ग्रामर एंड यूसेस में कोई भी रूल कोई भी नियम पूछ सकता है ब्रॉडर है तो इसको ये समझिए इंग्लिश में जो दिया हुआ है वो सिलेबस से देगा ये जो आपका ये ये वाला पार्ट है इसमें आपके सिलेबस को ही देगा जो सिलेबस में आपके लिए टॉपिक निर्धारित किए गए हैं बेस्ड ऑन दैट वन सिलेबस आई थिंक वहीं से आएगा अब ऐसा देखिए हो सकता है कि दो चार दस क्वेश्चन आपके बाहर कर लेगा बिना दो चार दस क्वेश्चन बाहर किए मजा नहीं आती है ना यस ठीक है डेफिनेटली आपको यह याद रखना है कि यहां पर देखिए दस पांच क्वेश्चन की कोई बात ही नहीं बनती दस पांच क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस अजीब से क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि क्या है है ना तो ये पहले से निर्धारित कर लिया करिए किसी भी एग्जाम में जाइए जैसे अभी यहां पर 180 क्वेश्चन है तो 180 में ये मानिए कि 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं है ना 20 20-25 क्वेश्चन तो 20, 25 तो मैंने ज्यादा कह दिया लेकिन ऐसा ये मानिए कि 20 क्वेश्चन तक ऐसे हो सकते हैं जिनको हो सकता है समझ में ही ना आए क्या भाई सब पूछ रहा है ना ऐसी पॉसिबिलिटीज बना करती है क्यों क्योंकि फिर तो पेपर फिर इजी ना हो गया पेपर बहुत ईजी हो जाएगा फिर पेपर है ना यस yes. ठीक है? फिर पेपर इजी हो गया अगर आप सोचोगे कि अरे अरे, अरे मामला गड़बड़ हो गया तो फिर और बाकी जैसे इधर का जो पैटर्न है वो आप खुद ही समझता ठीक है चलिए पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर बैच देखिए अब रही बात मेरी क्लासेस की तो मैं अपनी क्लासेस के रिगार्डिंग आप सभी को मैं बता दूं एक बात अपनी क्लासेस के रिगार्डिंग सभी को मैं बता दूं और जितने भी बच्चे और भी प्रश्न पूछते हैं देखिए क्योंकि आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं किसी पर भरोसा ना कीजिए एक चीज पर भरोसा कर, किया करिए ये जो नोटिफिकेशन होता है नोटिफिकेशन नाम की चीज इस पर भरोसा किया करिए देखिए चाहे एज की बात हो चाहे वो इलिजिबिलिटी की बात हो कि क्या इलिजिबिलिटी है एज एलिजिबिलिटी क्या एलिजिबिलिटी होगी आपकी है ना पैटर्न एग्जाम का क्या होगा सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन की माना कीजिए है ना इनके मामले में किसी की बात नहीं अपने आप चेक की करिए इसलिए भी आपको चेक करनी चाहिए देखिए क्या होता है ना हम कई बार हम लोग बड़ा आलस कर जाते हैं हम लोग नहीं अरे ठीक है यार हमें किसी ने बता दिया हम उस पर बेस्ड हैं आप भी खुद चेक किया करिए एक अवेयर कैंडिडेट बनिए जैसे वही वाला हाल है कि पीजीटी का एग्जाम सर कब होगा अब रोज यूट्यूब पर पचास वीडियो पड़ जाते हैं आ गई पीजीटी की टीजी यूपी टीजी टी पीजीटी पी टी की एग्जाम डेट हम लोग मुंह खोल के देख रहे हैं है ना तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा गाइस ठीक है यस तो अभी आपके पास बढ़िया मौका है अगर आप यूपी टी जी पीजीटी पी कैंडिडेट भी हैं तो मैं आपके लिए यह कह सकता हूं कि आप अपने राइटर्स को पढ़ते हुए जो भी राइटर्स आपके हैं टी जी पीजीटी में आप इसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं सीटें अच्छी हैं मौका अच्छा मिलेगा आपको और अगर सीटें समझिए फाइव हंड्रेड सिक्सटी नाइन है फाइव हंड्रेड तो एंड सिक्सटी नाइन मतलब सीटें काफ़ी हैं टी जी टी पी जी टी को मिला करके तो जरूर अप्लाई कीजिए लग जाइए ठीक है बिल्कुल और जैसे आप बोल बोलते हैं कि टेट सीटेट लेवल सीट, सीटेट लेवल की बातचीत करते हैं सीटेट लेवल की देखिए बेसिकली जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है यहां पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पर दिया हुआ था कहीं मैं सब्जेक्ट वाइज आपको दिखा देता हूं कि क्या इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ठीक है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ये तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस हो गया वन मिनट प्लीज इलिजिबिलिटी के लिए यहां पर एक कॉलम दिया हुआ था अगर नहीं दिखेगा तो नोटिफिकेशन भेज दूंगा आप सब लोग चेक कर लीजिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए मैं आपको पूरा का पूरा कॉलम भेज दूंगा टेलीग्राम पे पूरी एलिजिबिलिटी जिसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रहा या फिर दूसरे पी वाले पे होगा पर दिया हुआ था कि क्या आपको चाहिए कितने परसेंट चाहिए और क्या क्या चीजें आपको चाहिए होंगी ठीक है तो मैं आपको भेज दूंगा आप लोग चेक कर लीजिएगा टेलीग्राम पे अभी आ जाएगा थोड़ी देर में और अगर नहीं भी है टेलीग्राम पे तो सरकारी रिजल्ट पर आप विजिट कर लीजिए सरकारी रिजल्ट पर पूरी जानकारी इसकी दी हुई है कि आपको क्या चीज चाहिए टीजीटी के लिए क्या चाहिए पीजीटी के लिए क्या चाहिए ठीक है चलिए चलिए फिर चलते हैं और अब फिर से मिलेंगे आपसे और ऐसी ही मुलाकात होती रहेगी चलिए अगर देखिए बैच आपका बिगिन होगा टीजीटी या पीजीटी देखिए अभी तो मतलब मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि बिगिन होगा दो से तीन दिन में आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी अगर हमारे साइड से इसका टीजीटी और पीजीटी बैच चलता है वैसे चलेगा मोस्ट प्रोबेबली ये मानिए कि चलेगा है ना बिल्कुल लेकिन थोड़ा सा एक दो दिन के लिए वेट कर लीजिए आपको पता चल जाएगा कि हमारा बैच आ रहा है या नहीं ठीक है पर लेकिन आएगा ज्यादातर जहां तक उम्मीद है और उसमें हम लोग जनरल पार्ट ना कवर करें लेकिन आपका ग्रामर और लिटरेचर ये दो पोर्शन आपको कवरअप हम लोग करेंगे अभी मैं आपको इतना ही कहूंगा इसके बाद जो आगे जो अनाउंसमेंट होगा तो उसके लिए आप लोग इसी चैनल पर रुके रहिएगा प्लीज ठीक बस सो चलते हैं गाइज और आपसे फिर से मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार और आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए आपके लिए ये पीडीएफ मिल जाए ये बहुत जरूरी पार्ट होगा गाइज बाई एंड टेक केयर जय हिंद जय जै भारत अपना ख्याल रखिए मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी कीजिए जो सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है ठीक है हाँ अगर केवीएस बैच मैंने बताया स्टार्ट होगा तो आपको जल्दी ही हम जानकारी भेज देंगे थैंक यू सो मच गुड नाइट टेक केयर क्लासेस यू विल गेट बोथ द पेपर्स पेपर वन एंड पेपर टू पीडीएफ मेटीरियल डाउट क्लियरिंग सेशन एंड एवरी थिंग ऑन अन अकेडमी लर्निंग ऐप